subscribe Daily Law Learn. Daily Law Learn. Do you subscribe? Press the bell icon like a mentor, please. Hello ji, assalamu alaikum. Welcome to my channel Daily Law Learn. Today we discuss about what is difference between inquiry and investigation. Let's start. और इंक्वायरी में क्या फर्क होता है? इन्वेस्टिगेशन हमेशा जो होती है वो पुलिस की जानब से होती है, एग्जेक्टिव की जानब से होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से होती है। जब कोर्ट कुछ करता है, कोई चीज की तलाशी करता है, सच को जानने की कोशिश करता है, तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते, इंक्वायरी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन पहले होती है, इंक्वायरी बाद में होती है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, कोर्ट इंक्वायरी करता है, और पुलिस इंक्वायरी नहीं करती, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक हो गया। अब जो इन्वेस्टिगेशन का मकसद है वो प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस के लिए एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। इन्वेस्टिगेशन का मकसद एविडेंस को कलेक्ट करना है, जबकि इंक्वायरी का मकसद एविडेंस को कलेक्ट करना नहीं, बल्कि ये जानना कि ये चीज सच्ची है या नहीं। ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशन पहले होती है, इंक्वायरी बाद में होती है, और दोनों इन्वेस्टिगेशन जो खसूसी तौर पर होती है वो क्रिमिनल केसेस में होती है, जो इंक्वायरी होती है वो क्रिमिनल और सिविल दोनों केसेस में होती है। इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है, जबकि इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। आई होप कि आपको काफ़ी इससे फायदा मिला होगा। थैंक यू।